हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिवेंद्र। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे एक पोल रखा था जिसमें मैंने पूछा था कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको कंप्यूटर फंडामेंटल का, जो कंप्यूटर अवेयरनेस का सब्जेक्ट आने वाला है, आरआरबी पीओ और ये आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम में उसको कवर करना है। तो काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, जिसको देखते हुए मैं ये स्पेशल सीरीज़ कंडक्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, सारे टॉपिक्स बेसिक से कवर किए जाएंगे ताकि किसी को भी कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आज का है वो है हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं सब देखते हैं। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म अगर हम डिस्कस करें तो सी फॉर कॉमन, ठीक है, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड एजुकेशन एंड रिसर्च। तो इसका क्या फुल फॉर्म बना कंप्यूटर का, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड एजुकेशन एंड रिसर्च, ये है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। ठीक है, और एक बेसिक, मैंने ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी कंप्यूटर का। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर के अंदर क्या क्या, बेसिकली जनरल व्यू में अगर बात करें, ये तो खैर डिटेल तो नहीं है लेकिन आप इसको एक तरह से ब्लॉक डायग्राम कह सकते हो, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, एक इनपुट यूनिट दिखाई दे रही है जिससे आप डेटा इनपुट करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ प्रोसेसिंग का पार्ट दिखाई दे रहा है जो कि इसके अंदर हम लोगों ने शो कर रखा है। ठीक है, इस पूरे ब्लॉक के अंदर डेटा की प्रोसेसिंग हो रही है, जो भी डेटा हम इनपुट करते हैं वो रॉ डेटा होता है जो कि इस ब्लॉक से गुजरने के बाद प्रोसेस होता है और हमको फिर आउटपुट पे डिस्प्ले होता है यहाँ। ठीक है, तो अगर हम कंसेप्ट समझना चाहें कंप्यूटर का क्या है, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज़ एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स रॉ डेटा एज इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड प्रोसेसेस दिस डेटा अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम एंड गिव्स द रिजल्ट आउटपुट एंड सेव्स आउटपुट फॉर द फ्यूचर रेफरेंस एंड यूसेज। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक कंप्यूटर एक ऐसी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि रॉ डेटा है, यानी कि जिसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन अभी नहीं परफॉर्म हुआ है, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड कोई डेटा हो सकता है, आप कोई एंट्री करा रहे हो डेटा की वो हो सकती है, कुछ भी डेटा हो सकता है, रॉ डेटा है जिस पे आप कुछ फिर इनपुट अप्लाई करोगे, ऑपरेशन पर अप्लाई करोगे, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो उसको किसी कंट्रोल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कंट्रोल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं, प्रोग्राम। ठीक है, एक स्पेसिफाइड प्रोग्राम के अंदर आप उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करोगे इनपुट पे और फिर जो भी आउटपुट आपको मिलेगा उसके बाद उसको आप सेव कर दोगे ताकि आप फ्यूचर में फिर से उसको यूज़ कर सको। ठीक है, तो डेटा क्या होता है, डेटा होता है, अब जैसे कुछ पॉइंट्स इसमें आ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आ रहा है वो होता है हमारा डेटा। व्हाट इज़ अ डेटा, तो डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स विदाउट एनी सीक्वेंस। ठीक है, डेटा क्या है, डेटा कलेक्शन है बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर का जिसमें कोई सीक्वेंस नहीं होगा। ठीक है, तो वो रॉ डेटा होता है, बेसिकली ये रॉ डेटा की डेफिनेशन है। ठीक है, और प्रोसेसिंग क्या होती है, प्रोसेसिंग इज दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे दूसरा वर्ड जो हमको मिला वो था प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग या प्रोग्राम क्या होता है, प्रोसेसिंग इज दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूज़र टू द रिलेटेड डेटा दैट वॉज कलेक्टेड अर्लियर टू आउटपुट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है कि प्रोसेसिंग कुछ समूह होता है, कुछ मतलब कार्य समूह होता है जिसको हम लोग देते हैं डेटा पे ताकि हमको कुछ मीनिंगफुल यानी कि कुछ हमारे काम लायक इंफॉर्मेशन बन सके। तो वो ऑपरेशन कौन करेगा, वो ऑपरेशन प्रोसेसिंग करेगा। इसमें क्या हो सकता है, कैलकुलेशन, कंपैरिजन, डिसीजन, ये सब ऑपरेशन जो है वो प्रोसेसिंग वाले ब्लॉक में हो रहा होगा। ठीक है, ये ब्लॉक हमारा प्रोसेसिंग का ब्लॉक है। यहाँ पे डेटा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंफॉर्मेशन इज द एंड पॉइंट और द फाइनल आउटपुट ऑफ एनी प्रोसेस्ड वर्क। आपको एक रॉ डेटा मिला, उसको आपने प्रोसेस किया तो वो क्या बन गया, इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन हमको कहाँ मिली, आउटपुट पे।
ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डेटा हुआ, फिर प्रोसेसिंग हुआ, फिर उसके बाद हमको क्या मिला, डेटा प्रोसेस होके इंफॉर्मेशन। तो कभी भी डेटा और इंफॉर्मेशन में कंफ्यूज मत होना, देखने में दोनों सिमिलर वर्ड लगते हैं लेकिन डेटा एक रॉ डेटा होता है, डेटा में फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं बिना किसी सीक्वेंस के, लेकिन जब उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में प्रॉपर अरेंजमेंट में लाया जाता है तो वो क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये एक तो हो गया कंप्यूटर और बेसिक टर्मिनोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर की सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक लिखी है वो है स्पीड। ठीक है, तो जनरली क्या है आज के ज़माने में, कि आज के ज़माने में ये डिफिनेशन है कि एक पावरफुल कंप्यूटर अगर जो भी है तो वो 3 मिलियन कैलकुलेशन कर सकता है एक सेकेंड में। आज के ज़माने में एक पावरफुल कंप्यूटर 3 मिलियन कैलकुलेशंस पर सेकंड करता है, समझ रहे हो। यहाँ पर एक कैलकुलेशन करने में आपको आधा एक मिनट लग जाता है एक ह्यूमन माइंड को, या फिर जनरल वे में अगर देखा जाए तो सिंपल इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में भी आपको कम से कम 10 सेकंड चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कंप्यूटर पावरफुल कंप्यूटर है वो 3 मिलियन कैलकुलेशंस करता है विद इन अ सेकेंड। ठीक है, एक्यूरेसी का एक्यूरेसी भी हाई होनी चाहिए। एक्यूरेसी क्या है कि अगर ये 3 मिलियन कैलकुलेशन कर रहा है तो 3 मिलियन में से अप्रॉक्सीमेटली 2.9 या 2.95 मिलियन कैलकुलेशंस करेक्ट होने ही होने चाहिए, और बाकी जो रॉन्ग हो रहे हैं वो भी ऐसा नहीं कि वो डिस्टेंस मार्जिन पे रॉन्ग हो, वो ऐसे होने चाहिए कि वो नैरोली मिस हो रहे हो। ठीक है, तो सिग्निफिकेंटली जो एक्यूरेसी है कंप्यूटर की वो हमारी हाई ही होती है। ठीक है, मैं तो इसको ज़्यादा ही रेंज बता रहा हूँ आपको, जनरली तो जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है वो 2.95 से 2.98 मिलियन कैलकुलेशन पर सेकेंड, जितना एक्यूरेट अगर कोई सिस्टम है तभी वो मार्केट में आ पाता है। ठीक है, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी क्या है कि आपका जो भी डेटा कैलकुलेट होके आया वो कितना रिलायबल है, मतलब उसका कैलकुलेशन पर आप कितना भरोसा कर सकते हो कि ये डेटा आपने दिया है कंप्यूटर को रॉ डेटा, फिर प्रोसेस होके इंफॉर्मेशन आई तो वो किस हद तक सही है। ठीक है, तो वो रिलायबिलिटी वाला हमारा फैक्टर हो जाता है। फिर आता है मेमोरी और स्टोरेज कैपेसिटी। अब क्या है कि कंप्यूटर पहले के ज़माने में कम डेटा स्टोर कर पाते थे, आज के ज़माने में कंप्यूटर काफ़ी लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा स्टोर करते हैं, उसके बाद भी क्लाउड स्टोरेज और कई सारी चीज़ें आप सुन रहे होंगे बिग डेटा के वजह से काफ़ी सारा रिडंडेंट डेटा भी जनरेट हो चुका है, तो उसको स्टोर करने के लिए क्लाउड स्टोरेज आ गया है। ठीक है, तो मेमोरी और स्टोरेज कैपेसिटी एक और फीचर होता है। वर्सेटैलिटी, वर्सेटैलिटी क्या होता है कि एक कंप्यूटर कई सारे काम कर सकता है, ऐसा नहीं है कि एक कंप्यूटर एक पर्टिकुलर काम ही करेगा, हो सकता है किसी कंप्यूटर को पर्टिकुलर काम करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया हो, लेकिन जनरली एक कंप्यूटर कई सारे मल्टी फंक्शनल होता है। कंप्यूटर क्या होता है, मल्टी फंक्शनल मतलब क्या कि कई सारे वैरायटी के काम कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्सेटैलिटी। ठीक है, फिर होता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या होता है, ऑटोमेशन होता है कि जब एक बार इंस्ट्रक्शन आपने कंप्यूटर को दे दिया तो फिर बार बार इंस्ट्रक्शन डालने की जरूरत नहीं है, एक बार डाल दिया तो वो उसी के अकॉर्डिंग फिर लगातार प्रोसेस करता रहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेशन ही करता है। ऑटोमेशन का मतलब कि एक बार इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर को फिर बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के लगातार काम कर रहा है। फिर होता है डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या चीज़ होती है, डिलीजेंस ये होता है कि एक कंप्यूटर कभी भी अपना काम करना लेजीनेस की वजह से नहीं छूटेगा। जैसे इंसान क्या होते हैं, इंसान कभी कभी आलसी हो जाते हैं, काम नहीं करते, कंप्यूटर ऐसा नहीं करता। फिर होता है कन्वीनियंस, कंप्यूटर्स ईजी होते हैं एक्सेस करने में, डिफिकल्ट नहीं होते। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, कई सारे काम के लिए यूज़ कर सकते हो, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, ठीक है, फूड चेन, ठीक है, जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल होगा उसके हिसाब से होगा। जो मल्टी फंक्शनल बताया ना वो फ्लेक्सिबिलिटी ही दिखाता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर के। ठीक है, इससे पहले हमने कंप्यूटर के बेसिक ब्लॉक्स देखे, कंप्यूटर क्या होता है ये समझा, अब देखेंगे कि कंप्यूटर की कितनी जनरेशंस होती हैं और हर जनरेशन का कुछ कुछ एग्जांपल देख के फिर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब नेक्स्ट है जनरेशन। अब जनरेशन वाइज डिस्कशन करना शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली जनरेशन जो थी कंप्यूटर की वो 1942 से 1959 तक चली। ठीक
ठीक है, जिसमें कि आए वैक्यूम ट्यूब्स और पंच कार्ड, ठीक है। ये क्या करते थे कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ मतलब लार्ज एरिया कंज्यूम करते थे, बहुत जनरेट करते थे हीट, ठीक है, और केवल मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे और बहुत कॉस्टली होते थे। एनियक, एडवेक, आईबीएम, ये सब एग्जांपल थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के, ठीक है। होता क्या था कि जो सबसे पहला हमारा कमर्शियल कंप्यूटर जो आया था, कंप्यूटर कमर्शियल कंप्यूटर अगर कभी एग्जांपल पूछ लिया जाए तो वो यूनिवैक वन है, ठीक है। यूनिवैक है का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। ये कमर्शियल एज की शुरुआत थी कंप्यूटर्स की, ठीक है। इनका एडवांटेज क्या था कि उस टाइम पे सेवरल वैक्यूम ट्यूब्स अवेलेबल थे, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाना पॉसिबल हो सका। ये कंप्यूटर डेटा मिली सेकेंड्स में कम कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन डिसएडवांटेज क्या क्या था कि ये बहुत ज़्यादा बड़े थे साइज में, बहुत एनर्जी कंज्यूम करते थे, पोर्टेबल नहीं थे, कमर्शियल यूज़ लिमिटेड था, बहुत स्लो स्पीड थी, केवल मशीन लैंग्वेज का यूज़ करते थे, ठीक है, और मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ करते थे जो कि बहुत लेस स्टोरेज प्रोवाइड करता था, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट जनरेशन की बात हुई। फिर आते हैं हम लोग सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स पे। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के का क्या एज था, 1959 से 1965 था अप्रॉक्सीमेटली। इसमें क्या नया चीज़ आया था, इसमें आया था हमारा ट्रांजिस्टर्स और मैग्नेटिक टेप्स, ठीक है। इसके वजह से क्या होने लगा कि साइज ऑफ कंप्यूटर बहुत ही डिक्रीज हो गया, ठीक है, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स हट गए ट्रांजिस्टर से। इसका एग्जाम्पल जो था वो था IBM 7094 सीरीज़, IBM 1400 सीरीज़ एंड CDC 1604 सीरीज़, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल थे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के। एडवांटेज क्या था कि इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ था, ठीक है, और ये कम साइज़ में थे, ये लेस एनर्जी यूज़ करते थे, तो इसकी वजह से स्पीड भी बेटर हो गई थी और डेटा माइक्रो सेकेंड्स में कैलकुलेट होने लगा। पहले में डेटा किस में कैलकुलेट होता था, मिली सेकेंड्स में, ठीक है। अब डेटा किस में कैलकुलेट होने लगा, माइक्रो सेकेंड्स में, ठीक है, स्पीड बढ़ गई, ठीक है। और पेरिफेरल्स भी यूज़ होने लगे इसमें, असेंबली लैंग्वेज यूज़ होने लगी मशीन लैंग्वेज की जगह। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या था कि इनको कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती थी, कॉन्स्टेंट मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती थी, और केवल स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही इस यूज़ किए जा सकते थे, और कॉस्टली थे और वर्सेटाइल नहीं थे। तो इस वजह से सेकेंड जनरेशन से हम लोग फिर किस पे गए, थर्ड जनरेशन पे। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स की एज क्या थी, 1965 से 1975 तक। इसमें क्या हुआ, इसमें ICs आ गए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। सबसे पहली IC जो इन्वेंट हुई थी वो थी 1961 में, ठीक है, और जो IC का साइज था वो था अबाउट 0.25 स्क्वायर इंच, ठीक है। जो सबसे पहली IC थी उसका था 0.25 स्क्वायर इंच, ये साइज था। अब इतनी छोटी IC आने लग गई, ठीक है, तो उस IC को कंप्यूटर में यूज़ किया गया, ठीक है। इसमें क्या था कि एक सिंगल IC चिप में आप बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर कंटेन कर सकते हो। इसकी वजह से इसका साइज ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया, ठीक है। पहले जनरेशन मुकाबले तो बहुत ही कम, और सेकेंड जनरेशन के मुकाबले भी काफ़ी कम हो गया साइज़, ठीक है। अब क्या था कि अब कंप्यूटर छोटे हो गए, फास्ट हो गए, रिलायबल हो गए और लेस एक्सपेंसिव हो गए, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर अगर पूछा जाए तो IBM 370, IBM सिस्टम 360, यूनिवैक 1108, ठीक है, यूनिवैक AC9000 एक्सेट्रा। ये सब क्या है, ये सब आपके एग्जाम्पल है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के। अगर IC के बारे में पूछा जाए तो एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज अ सेमी कंडक्टर वेफर ऑन विच थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ टाइनी रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर्स आर फेब्रिकेटेड, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशन है IC की। तो देखो कि कई सारे मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर जब फेब्रिकेट होने लगे IC पे, तो फिर क्या हो गया, हमारा IC का साइज काफ़ी रिड्यूस कर दिया कंप्यूटर का, आपके कंप्यूटर फास्ट, रिलायबल सब हो गया, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेज अभी भी यही थी कि एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत थी और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी IC के मैन्युफैक्चरिंग के लिए उस टाइम पे। तब हम लोग किस पे गए, फोर्थ जनरेशन पे। फोर्थ जनरेशन क्या हुआ, यहाँ पे अब माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट हो चुका था, ठीक है, 1975 से 1988 के बीच में। तो अब क्या हुआ कि माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट होने से क्या हुआ कि अब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ IC आने लगे, ठीक है। तो अब इसको इस तरीके से समझो, माइक्रो प्रोसेसर उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ IC,
और एक आईसी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर, तो सोचो कितना, मतलब थाउजेंड्स या मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है, तो सोचो कितना एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बिलियंस या ट्रिलियंस में ट्रांजिस्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ रहे हो कि कितना बड़ा हम लोगों ने मॉडिफिकेशन कर लिया केवल 20 से 30 साल के अंदर, ठीक है। टेक्नोलॉजी कितना आगे पहुंच गई, ठीक है, शुरुआत वैक्यूम ट्यूब से हुई थी और देखो कहाँ तक तो पहुँच गया। अब क्या था कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ आईसी आने लगी, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट डिज़ाइन होने लगे। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा साइज घटा दिया कंप्यूटर का, ठीक है। और आजकल जो माइक्रो प्रोसेसर आ रहे हैं उनका साइज तो केवल 1 स्क्वायर इंच है। 1 स्क्वायर इंच मतलब समझ रहे हो, 0.25 स्क्वायर इंच की एक आईसी होती थी पहले, लेकिन अब केवल 1 स्क्वायर इंच का माइक्रो प्रोसेसर आता है जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ आईसी होती है, ठीक है। तो समझ लो कि टेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़ चुकी है, ठीक है। इस तरीके से टेक्नोलॉजी ने सारा साइज कम कर दिया, ठीक है। और इसमें क्या था, इसमें आपका मल्टी प्रोसेसर यूज होने लगे और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज होने लगी, इनको इजीली अपडेट किया जा सकता था, ठीक है। बहुत ही चीपेस्ट थे सारे जनरेशन के मुकाबले, ठीक है। लेकिन फिर इसमें डिसएडवांटेज क्या था कि बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए थी माइक्रो प्रोसेसर। तब अब 5th जनरेशन पे आते हैं जो कि अभी जनरेशन चल रही है, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी एज कहते हैं, ये AI की भी एज है, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे 5th जनरेशन में बहुत सारे ब्रेक थ्रू हमें मिले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके। कंप्यूटर्स क्या होते हैं कि अब आप कुछ बोलते हो तो वो उसको भी इंटरप्रेट कर देते हैं। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो गूगल असिस्टेंट, आप बरबड़ी बोलो वो टाइप करने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब क्या है कि आईसी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ करने लगी, ठीक है। बहुत सारी हार्ड डिस्क आने लगी हैं रेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, और ये पहले के मुकाबले काफ़ी कम साइज है, रिलायबल है, ठीक है। और इसके साथ आप क्या कर सकते हो कि AI आ गया है तो रैपिडली आप सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर सकते हो, मतलब कम से कम टाइम में आप सॉफ्टवेयर डेवलप करना बहुत पॉसिबल हो गया है, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर आपको बताऊँ तो IBM का है, ठीक है। IBM वॉटसन कंप्यूटर, पेंटियम, परम सुपर कंप्यूटर, ये सब किसके एग्जांपल है, ये सब 5th जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल है, ठीक है। अब कंप्यूटर कितने टाइप के हो सकते हैं, तो कंप्यूटर 3 टाइप के हो सकते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ठीक है। एनालॉग में कौन कौन से होते हैं, वोल्ट मीटर, एमीटर। हाइब्रिड में कौन से होते हैं, कन्वर्टिबल लैपटॉप या कंप्यूटर। और डिजिटल में कितने टाइप से कर सकते हो, 2 तरीके से, पर्पस के बेसिस पे या फिर मेमोरी साइज और परफॉर्मेंस के बेसिस पे। पर्पस के बात करें तो 2 तरह का हो सकता है, जनरल पर्पस या स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस मतलब क्या हुआ कि एक स्पेसिफिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस पे काम करना, कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। तो ये आपके जनरल पर्पस कंप्यूटर हो गए। स्पेशल पर्पस क्या हुआ कि एक स्पेसिफिक टास्क को कैलकुलेट करना है, जैसे कि वीडियो गेम्स में आप देखते हो, ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को देखते हो, एयरक्राफ्ट में नेविगेशनल सिस्टम लगा होता है वो देखते हो, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च की ट्रैक करने के लिए जो भी कंप्यूटर यूज़ करते हो, वो सब क्या एग्जांपल है, स्पेशल पर्पस के एग्जांपल है, ठीक है। और जनरल पर्पस मतलब जो लैपटॉप हम यूज़ करते हैं किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है। इसके अलावा मेमोरी और साइज परफॉर्मेंस पे अगर जाएँ तो माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ करता है CPU में अपने, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर्स फिजिकली स्मॉलर होते हैं मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स से, ठीक है। और मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं, मिनी कंप्यूटर जो हमारा होता है वो एक मिड साइज कंप्यूटर होता है, ठीक है। अब क्या है कि लार्ज साइज और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच में काफ़ी हद तक घट गया है, लेकिन अभी मिनी कंप्यूटर जो है वो आते हैं, जो डेस्कटॉप वगैरह आप देखते होंगे सिस्टम में, ठीक है। फिर उसके अलावा अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर काफ़ी बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, जो कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटर सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर्स हैं जो आजकल एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर्स किस एग्जांपल अगर मैं बताऊँ तो वेदर फॉरकास्टिंग के लिए भी सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है।
परम नाम की सीरीज है जो कि सीडेक पुणे ने डेवलप करी है, ठीक है। इसमें लेटेस्ट है परम युवा 2, परम युवा 2, ठीक है। ये इंडिया का है, लेकिन जो फास्टेस्ट अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें पूरे दुनिया में, तो जो पूरे दुनिया का फास्टेस्ट कंप्यूटर है वो है चाइना से, जिसका नाम है तियाने 2। ठीक है, तो ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है तियाने 2, ठीक है। और जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये इंडिया का फास्टेस्ट कंप्यूटर है परम युवा 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का जो भी मतलब जनरल वे में बात किया कि डिजिटल कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन, अब क्या होते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल यूज़र के लिए यूज़ में आते हैं। जैसे कि हमारे पास देखने को आपको मिलते होंगे टावर मॉडल के, डेस्कटॉप मॉडल, नोटबुक, लैपटॉप, सब नोटबुक, पीडीए, पॉम टॉप, स्मार्टफोन्स, ये सब क्या है, ये सब पर्सनल कंप्यूटर के एग्जांपल हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ करते हो, कंप्यूटर यूज़ करते हो एजुकेशन में, कैसे आप क्लासरूम को इफेक्टिव बनाने के लिए यूज़ करते हो, मेकिंग क्लासरूम इफेक्टिव। आपको चाहिए कि आपकी क्लास जो चल रही है वो इफेक्टिव हो, स्मार्ट क्लास जिसको आप कहते हो, ठीक है। ये तो क्लासरूम इफेक्टिव बनाने की बात हुई। फिर उसके बाद एक होता है जिसमें आप करते हो ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन एजुकेशन आजकल जो चल रहा है कोरोना के टाइम पे, ठीक है, इसके लिए भी कंप्यूटर्स यूज में आते हैं। फिर रिसर्च वर्क, कैलकुलेशंस, एनालिसिस, जो रिसर्च की होती है वेरीफाई करने के लिए सॉफ्टवेयर पे, प्रोटोटाइप मॉडल्स पे, उसके लिए भी कंप्यूटर यूज़ में आते हैं। ऑफिस में आप यूज़ कर सकते हो स्प्रेडशीट वगैरह बनाने को, पीपीटी बनाने को, वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। मेडिसिन में यूज़ कर सकते हो, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग सिस्टम, डायग्नोसिस, लैब सपोर्ट, इन सब के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता है। डिफेंस में यूज़ कर सकते हो बैटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, डायग्नोसिस के लिए, डिटेक्शन के लिए, नेविगेशनल सिस्टम के लिए, ठीक है। तो ये सारे एप्लीकेशन किसके हैं, कंप्यूटर्स के हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई बात मतलब हमारी कि कंप्यूटर्स का क्या यूज़ है, कंप्यूटर्स क्या होते हैं, कंप्यूटर्स के कितने सब ब्लॉक होते हैं, कौन कौन सी जनरेशन थी, ठीक है, और पर्सनल कंप्यूटर का क्या टाइप है, ये सब हमने अभी डिस्कस किया। अब जो हम देख रहे हैं वो देखेंगे बेसिक कंपोनेंट कंप्यूटर डिवाइसेस के। तो सबसे पहला हमने देखा था इनपुट यूनिट, ठीक है। इनपुट यूनिट में क्या करते थे, इनपुट यूनिट में हम रॉ डेटा इनपुट करते थे कंप्यूटर को, ठीक है। रॉ डेटा क्या होता था, कोई भी ऐसा फैक्टर फिगर जिसमें कोई सिक्वेंस ना हो वो क्या था, रॉ डेटा, ठीक है। तो इनपुट यूनिट क्या करती है, रॉ डेटा को कंप्यूटर में इनपुट कराती है। फिर हमारा काम आता है, वो काम आता है हमारा स्टोरेज यूनिट का, वो रॉ डेटा जाके कहीं स्टोर होता है। फिर वो स्टोर होने के बाद फिर कहाँ, प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है, जहाँ पर वो जाके प्रोसेस होता है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब प्रोसेसिंग यूनिट में भी दो यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है, कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि डायरेक्शन करना और कंट्रोल करना इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस को, ठीक है। डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, इनपुट से आउटपुट पर जा रहा है, ये सब डायरेक्शन कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट। फिर ALU होता है, ALU क्या था, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। यहाँ पे क्या काम होता है, यहाँ पे सारा कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म होते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं लॉजिकल कंप्यूटर के द्वारा। तो ये सारे काम किस में होंगे, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में होंगे, ठीक है। अब तो ये तो हमारी बात हो गई किसकी किसकी, मैथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट की और कंट्रोल यूनिट की, ठीक है। CPU को ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि CPU ही जो होता है वो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है रॉ डेटा पे। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है हमारा रॉ डेटा और आउटपुट यूनिट पे डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। अभी हम जैसे बात करें तो अब नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा कितने तरह के इनपुट डिवाइसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहली इनपुट डिवाइस सब जानते हैं, कीबोर्ड। कीबोर्ड से क्या करते हो, डेटा इनपुट करते हो कंप्यूटर का। पहले के ज़माने में टाइपराइटर यूज़ होता था, लेआउट लगभग सिमिलर ही होता है, लेकिन कीबोर्ड में थोड़े एडिशनल फंक्शन भी होते हैं। जैसे कि आप अगर कीबोर्ड की बात करो तो इसमें क्या क्या देखने को मिलता है आपको, टाइपिंग की
टाइपिंग की में क्या होते हैं आपके अल्फ़ाबेट्स ए टू जेड और न्यूमरल्स डिजिट्स 30 0 to 9, ठीक है। उसके बाद होता है न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड में क्या होता है, न्यूमेरिक कीपैड में केवल और केवल न्यूमेरिक डेटा एंटर कराने के लिए होता है, टोटल 70 की होते हैं, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि न्यूमेरिक कीपैड में टोटल 70 की होते हैं। फिर आते हैं फंक्शन की। फंक्शन की का क्या काम होता है, फंक्शन की जो भी होते हैं वो एक यूनिक मीनिंग होता है उनका और एक यूनिक तरीके से यूज करते हैं। टोटल 12 फंक्शन की होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे कंट्रोल की, ठीक है। कंट्रोल की में क्या होता है, कंट्रोल की में आपके 4 डायरेक्शनल की होते हैं, ठीक है। 4 डायरेक्शनल कीज होते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, ठीक है। और इसके अलावा अगर कंट्रोल की बात करें तो होम एंड इंसर्ट डिलीट, ठीक है, डेल देखते होंगे, पेज अप पेज डाउन, ठीक है। फिर उसके बाद कंट्रोल, कंट्रोल का भी देखा ही होगा, अल्टरनेट और स्केप, ये सब किसके एग्जांपल है, ये सब एग्जांपल है कंट्रोल कीज के, ठीक है। 4 डायरेक्शनल और उसके अलावा ये सारे कंट्रोल कीज के एग्जांपल हैं। फिर होती है कुछ स्पेशल पर्पस की, जैसे कि एंटर शिफ्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद कैप्स लॉक, नम लॉक, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्पेस बार, ठीक है, टैब और प्रिंट स्क्रीन, ये सब क्या है, स्पेशल पर्पस की है, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी कीबोर्ड्स की, ठीक है। माउस क्या होते हैं, माउस हमारे यूज होते हैं कर्सर कंट्रोल डिवाइस होती है, पॉइंट करने के लिए, ड्रॉप डिवाइस के लिए, ठीक है। ये हम अपने हाथ से कंट्रोल करते हैं, आजकल तो मतलब लैपटॉप वगैरह में तो वो हाथ से कंट्रोल करने वाला सिस्टम नहीं है, फिंगर्स पे हमारा माउस मूव करता है, ठीक है। फिर जॉयस्टिक होता है, जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस ही होती है, ठीक है। इसी तरीके से लाइट पेन है, ट्रैक बॉल है, स्कैनर, स्कैनर का क्या काम होता है कि आप फोटो कॉपी मशीन की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट स्कैन करते हो जो कि आपके स्क्रीन पर जाके सेव हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद टच स्क्रीन, डिजिटाइजर, ठीक है। फिर उसके बाद मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर का क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर जो है वो बैंक में बहुत यूज़ होती है, आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चेक्स वगैरह जो भी आपका होता है, जो भी चेक नंबर लिखा होता है उसको रीड करने के लिए कौन सा यूज़ होता है बैंक वगैरह में, तो वो यूज़ होता है MICR, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, ठीक है। फिर होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होती है जो कि प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। और ऑप्टिकली कैरेक्टर स्कैन करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन बिल, ये सब कौन रीड करता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। फिर आता है आपका OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, ये क्या होता है, ये आपका ह्यूमन मार्क डेटा जो भी आप जैसे एग्ज़ाम नहीं भरते थे OMR शीट पहले, तो उसके लिए क्या यूज़ करते थे आप, OMR टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे, ठीक है, OMR टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे। इसके बाद अब नया एक आने लगा है, स्मार्ट कार्ड रीडर। अब स्मार्ट कार्ड देखते हो गए मेट्रो में होता है, जैसे ही आप रखते हो इंटरफेस पे वैसे ही आपका डेटा पूरा स्कैन हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्रेडिट कार्ड होता है जिसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है ICs का यूज़ करके, ठीक है। तो उससे क्या, उसमें किस तरीके से करते हैं, आपका नेटवर्क ID वगैरह कुछ उसमें स्टोर कर दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। और फिर उसको जैसे ही आप रखोगे इंटरफेस पे वैसे ही वो स्कैन कर लेगा, तो वो क्या है हमारा एग्जांपल का स्मार्ट कार्ड रीडर का। कहाँ यूज़ होता है, मेट्रोज में, हॉस्पिटल्स में, जहाँ यूनिक ID की ज़रूरत है, या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पर आपको कुछ ही लोगों को मतलब जाने की परमिशन है जिनके पास स्मार्ट कार्ड हो, ठीक है। फिर आते हैं बारकोड रीडर,
बार कोड रीडर सब लोग जानते हैं कि बार कोड बने होते हैं प्रोडक्ट पे, उसको स्कैन करते हैं, मॉल वगैरह में देखा ही होगा, ठीक है। उसके अलावा माइक्रोफोन, वेब कैम, ये सब किसके एग्जांपल है? इनपुट डिवाइसेस के। ऐसे ही इनपुट रॉ डेटा करने के बाद प्रोसेसिंग होती है, फिर हमको इंफॉर्मेशन मिलता है तो आउटपुट भी आता है। आउटपुट के लिए क्या क्या है? मॉनिटर्स, नैनोमीटर कितने तरह के हो सकते हैं, कैथोड रे ट्यूब, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, 3D मॉनिटर, ये सब किसके एग्जांपल है? ये सब आपके एग्जांपल है मॉनिटर्स के, ठीक है। प्रिंटर्स, प्रिंटर्स अभी हम बात कर रहे थे, स्कैनर क्या था? इनपुट, प्रिंटर होता है आउटपुट। क्या होता है कि आपके पास कोई फाइल है उसको प्रिंट करने को PDF फॉर्म में देते हो, तो कितने तरह के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होंगे? द प्रिंटर बैक प्रिंट द कैरेक्टर्स बाय स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द रिबन एंड देन ऑन टू द पेपर आर कॉल्ड इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स बहुत ही लो होते हैं कॉस्ट में, बहुत नॉइजी होते हैं, ठीक है, और इनकी कॉस्ट लो होती है इसीलिए ये बल्क प्रिंटिंग में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहला होता है कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा होता है लाइन प्रिंटर्स। कैरेक्टर प्रिंटर्स में भी दो एग्जांपल होते हैं, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, और लाइन प्रिंटर में भी दो एग्जांपल होते हैं, ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बहुत ही पॉपुलर होते हैं क्योंकि इनका इनके साथ प्रिंट करना आसान होता है और बहुत ही लो कॉस्ट में आते हैं, ठीक है। लेकिन इनका डिसएडवांटेज क्या है? स्लो स्पीड और पुअर क्वालिटी। ऐसे ही डेजी व्हील भी होता है। डेजी व्हील का क्या है कि वर्ड प्रोसेसिंग जो ऑफिस में है और रिप्रेजेंटेशन करना है अगर किसी अच्छे का, मतलब फ़ोटो वगैरह अगर आपको अच्छी प्रिंट करनी है, डेजी व्हील का यूज़ करो, ठीक है। फिर लाइन प्रिंट होते हैं। लाइन प्रिंटर क्या होते हैं? जो वन लाइन एट अ टाइम प्रिंट करें, ठीक है। तो इसके लिए कौन कौन से होते हैं? ड्रम और चेन, ठीक है। फिर आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो रिबन के अगेंस्ट स्ट्राइक नहीं करते, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? लेजर प्रिंटर्स और इंकजेट प्रिंटर्स, ठीक है। फिर हमारा हेडफोन, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सब किसके एग्जांपल हो गए? ये सब आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल हो गए, ठीक है। तो हम लोगों ने कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल सारा देख लिया है, ठीक है। कंप्यूटर में क्या क्या और होता है वो भी थोड़ा मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता ही होगा कि आप लोगों को वायरस वगैरह इंस्टॉल करके रखने चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्पाईवेयर, एडवेयर, इन सब से बचने के लिए क्या होता है? सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल करते हैं एंटीवायरस, ठीक है। फायरवॉल एक्टिवेट करके रखनी चाहिए, डिस्क का फ्रेगमेंटेशन करते रहना चाहिए टाइम टाइम पे। डिस्क फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि आपको कई सारे अगर फाइल्स एक ही ड्राइव में, सी ड्राइव में मान लो जमा हो गए, तो बाकी ड्राइव में जिसमें नहीं है उससे थोड़ा सा स्पेस वर्चुअली एलोकेट कर दो सी ड्राइव को, उससे क्या होगा कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। अब मालवेयर्स क्या होते हैं, स्पाईवेयर क्या होता है, ठीक है। तो मालवेयर वो होते हैं कि कुछ ऐसे प्रोग्राम जो कि आपको आप से कंट्रोल ले लें, ठीक है, सिस्टम का बिना आपके जानकारी के, जैसे ट्रोजन हॉर्स वगैरह, वही सब वायरस जो है ये सब मालवेयर है। इसके अगेंस्ट बचना है तो क्या करना है? एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। फिर स्पाईवेयर होते हैं। स्पाईवेयर किस लिए होते हैं? कि ये आपके ऑनलाइन एक्टिविटीज़ पे स्पाई करते हैं और कुछ अनवांटेड प्रोग्राम आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर देते हैं बिना आपकी परमिशन के, तो उससे आपके जो भी प्राइवेसी है उसको हार्म पहुंचता है। एडवेयर क्या होते हैं? एडवेयर में ऐड चलते हैं आपके बिना मर्जी के। कई बार देखा होगा कि आप लैपटॉप ओपन करते हो और लैपटॉप या मोबाइल ओपन करते हो, मोबाइल पे आपने क्रोम खोला मान लो और फिर एकदम से ऐड चलने लगता है बिना परमिशन के, कई लोगों के तो होता है, या फ़ोन पे ही कभी कभी एकदम से ऐड चलने लगता है। तो उसका क्या मतलब है कि आपके मोबाइल पे या सिस्टम पे एडवेयर इंस्टॉल है जो कि बिना आपकी परमिशन के ऐड रन करा रहा है। ये क्या है? ये आपके डेटा को भी कई बार दूसरे यूज़र के पास ट्रांसफ़र कर देता है बिना आपके परमिशन के। तो आपका जो प्राइवेसी है, डेटा है, वो लीक हो जाता है जिससे आपको खतरा हो सकता है फ्यूचर में। तो इसीलिए हैकर्स वगैरह से, तो इसीलिए एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखना बहुत ज़रूरी है और फायरवॉल हमेशा सेटअप करके रखो, ठीक है। तो ये सब तो बेसिक बेसिक बातें अब हो गई हमारी।
ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो कि आरआरबी में आया था। सबसे पहले हाँ ये था क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाउसेस दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। निम्न में से कौन जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को जिसके पास सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, तो एग्जाम्पल दिया हुआ इनपुट डिवाइस, क्लाइंट, सर्वर, हार्डवेयर या फिर नन ऑफ दीज। बताओ क्या होता है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं? कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, सब क्या है? हार्डवेयर ही तो है, बस डी ऑप्शन सही हो गया। और ये एग्जाम किस में आया था? आरआरबी 2016। आरआरबी मींस 2016। मेमोरी बेस्ड है ये, तो इसमें से मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम बना लोगी। जैसे ही एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, विच की लॉन्च्ड स्टार्ट बटन ये भी आरआरबी 2016 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है, सबसे पहला है विंडोज, बी है एस्केप, सी है शिफ्ट, डी है फंक्शनल की, है नमला। तो बताओ स्टार्ट बटन कहाँ होता है? यहीं तो होता है विंडोज पे, तो बस प्रैक्टिस की बात है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। ये भी क्वेश्चन किसका था? आरआरबी मेंस। देखो कितने इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बस वही बात है कि हमारी प्रैक्टिस नहीं रहती है और हम लोग सोचते हैं कि यार बहुत पेपर टफ आ गया, और हम लोग जनरली बस थोड़ा सा अटेम्प्ट करके चले जाते हैं और हमको लगता है कि बस हमारा तो सब सही होगा, लेकिन होता नहीं। देखो क्लोज ऑप्शन है, सही सब है, लेकिन कितने क्लोज ऑप्शन है, जिसको प्रैक्टिस होगी बस उसी का सही होगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? ये भी आरआरबी 2016 का क्वेश्चन है। द कॉम्बिनेशन ऑफ एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट जॉइंटली नोन एज, क्या कहते हैं इसको? अभी बतलाया था जस्ट, अगर याद होगा तुरंत टिक कर दोगे। ऑप्शन दे रखा है ए हार्ड डिस्क, बी मॉनिटर, सी सीपीयू, डी यूपीएस, ई नन ऑफ दिस। सीपीयू है, सीपीयू ही तो कॉम्बिनेशन होता है एलयू कंट्रोल यूनिट का,
वही चीज़ है कि प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस है तो तुम बनाओगे। ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, ये थोड़ा सा टफ है। ठीक है, उसी को आएगा जो प्रैक्टिस किया होगा। डैश प्लग इनटू स्लॉट ऑन द मदरबोर्ड एंड प्रोवाइड एडिशनल फंक्शनैलिटी टू योर कंप्यूटर। ऑप्शन दे रखा है ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC, बी USB, सी एक्सटेंशन कार्ड, डी UPS, ई नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आपको ऑप्शन से ही समझ में आ रहा होगा कि USB एक्सपेंशन कार्ड NIC में से कुछ मिल सकता है, लेकिन USB कभी भी कोई एडिशनल फंक्शनैलिटी नहीं देती है। प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटी जो USB का होता है वही करती है, तो USB नहीं होगा, नन ऑफ दिस है नहीं, UPS हो नहीं सकता। तो बचा कौन कौन सा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और एक्सपेंशन कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है और एक्सपेंशन कार्ड क्या होता है उसको समझेंगे तब फिर ये ऑप्शन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है जो कि आपको एक कंप्यूटर को कंप्यूटर नेटवर्क से कंट्रोल कनेक्ट करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर को कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का यूज़ हुआ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि एडिशनल फंक्शनैलिटी, तो वो कौन होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचा कौन, एक्सपेंशन कार्ड। तो एक्सपेंशन कार्ड ही हमारा सही आंसर है जो कि स्लॉट्स में मदरबोर्ड के लगता है और हमारे कंप्यूटर को एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन है अंडरस्कोर की इज द एग्जांपल ऑफ टॉगल की ए है ऑल्ट, बी है शिफ्ट, सी है कंट्रोल, टी है स्टेप, ई है कैप्स लॉक। अब आपको बताना है कि इसमें से टॉगल कीज कौन कौन सी हैं। थोड़ा सा टाइम लो और अगर किसी को आता हो तो सोचो। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कौन कौन सी टॉगल कीज होती है, फिर मैं बताता हूँ तो फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो इसका जो सही ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है हमारा ई, कैप्स लॉक। ठीक है, जो टॉगल कीज होती हैं वो तीन होती हैं, कैप्स लॉक, नम लॉक एंड स्क्रॉल लॉक। ठीक है, स्क्रॉल लॉक आजकल लैपटॉप में आपको शायद ही दिखे, लेकिन कब कैप्स लॉक नम लॉक तो आपको दिखेगा ही। ठीक है, ये इसलिए डिज़ाइन किया गया था कि इनको टॉगल कीज को इसलिए डिज़ाइन किया गया था जो लोग विजन इम्पेयरमेंट या फिर कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज से सफ़र कर रहे होते हैं, तो ये जब भी प्रेस की जाती है ना तो फिर
तेज़ आवाज़ होती है, जैसे कैप्स लॉक अगर आप प्रेस करो तो तेज़ आवाज़ होगी, फिर जब उसको फिर से दोबारा प्रेस करोगे और ऑफ करोगे तो वो क्या होगी, लो पिच में आवाज़ करेगी। उससे क्या होगा, उससे आदमी पता चल जाएगा कि उसने जो है वो टॉगल की इसको प्रेस किया है। ठीक है, ये एक्सेसिबिलिटी फंक्शन की तरह से होता है। ठीक है, तो ये तो हमारे बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे कुछ, ठीक है, जो मैंने अभी आपको करवाया है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन इससे पहले वाले चैप्टर का भी करवा देता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन पीछे से करवा रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन दिखा, अच्छा जी क्वेश्चन है, टू एक्सेस अ मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर यूजर्स नीड अंडरस्कोर है, फिर ए ऑप्शन दिया है नोड, बी लैपटॉप, सी टैबलेट, डी सीपीयू और ई टर्मिनल। ये भी क्वेश्चन आरआरबी पीओ मेंस का था 2016 का। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ई ऑप्शन। ठीक है, कभी भी मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर को अगर एक्सेस करना है तो हमेशा आप टर्मिनल से ही एक्सेस कर सकते हो और कहीं से नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब एक और को दिया हुआ क्वेश्चन, विच ऑफ दी फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू रिपीट प्रीवियस एक्शन, एक्शन परफॉर्म। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है, ए ऑप्शन है F3, बी ऑप्शन है F4, सी ऑप्शन है F5, डी ऑप्शन है F6, ई ऑप्शन है F2। कौन सी की यूज़ होगी, F4। ठीक है, F4 की से आप जो भी लास्ट एक्शन की होगे वो रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे फिर जो मैंने कराए, और मैंने जो थ्योरी बताई आपको उसको रिवाइज करना। ठीक है, और ट्राई करना कहीं से PDF मिल जाए और तो क्वेश्चन लगाना, अगर नहीं आता है तो मुझसे टेलीग्राम चैनल पर आप तो पूछ ही सकते हो, जिसका लिंक आपको हर बार मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। ठीक है, कोई भी डाउट हो और टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस करो। ठीक है, और मीन्स की तैयारी में लगो, कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल ना होने पे। ठीक है, गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।